नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण को पृथ्वी कोण भी कहा गया है। साथ में ये क्या होता है कि पश्चिम और दक्षिण का कोना वाला क्षेत्र होता है नैऋत्य कोण। वास्तु के अनुसार जब हम संतुलन की बात करते हैं तो सभी संतुलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है नैऋत्य कोण का संतुलन। आपकी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह कोण सबसे अधिक भारी होता है और आपकी गलतियां भी यहां पर सबसे अधिक भारी पड़ने वाली है। तो आपको कुछ गलतियां तो इस स्थान पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम एक एक करके सारी बातों का आज डिटेल में बात करेंगे कि किन चीज़ों का निर्माण हमें यहाँ भूल से नहीं करनी चाहिए और इस स्थान को संतुलित करने के लिए हमें किस प्रकार से यहाँ किन चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। आप यहाँ यदि वास्तु संबंधी कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो आपके पूरे घर का वास्तु असंतुलित हो जाता है और इसका सीधा प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पर पड़ता है। और घर के जो हेड हैं, चाहे जो भी हेड हो, आप स्वयं हो, आपके पिता हो या जो भी बड़े भाई आपके हेड हो, उनके ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र को बिल्कुल संतुलित करें, असंतुलित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए हम आज के अंक में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले इस कोण के क्षेत्र को निकालना तय करें। आपको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी भाग हो इसे आपको सर्वप्रथम इस प्रकार से तीन भागों में बाँट लेना। ये देखिए, तीन भागों में बाँट लें, यहाँ से यहाँ तक को भी तीन बराबर भागों में बांटना, इक्वली। जब आप इसे इस प्रकार से बांट लेते हैं तो वास्तु का रूल क्या कहता है कि कोई भी भूखंड हो, भूखंड थोड़ा स्क्वायर शेप से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूखंड काफ़ी लंबा हो तो ये फार्मूला वहाँ वर्क नहीं करेगा। अब नैऋत्य कोण का क्षेत्र या फिर साउथ वेस्ट का क्षेत्र कितना आ गया, यहाँ से लेकर अर्थात इसके 1/3 और इसके 1/3, इतना क्षेत्र जो है आपका, इतना क्षेत्र आपका साउथ वेस्ट का क्षेत्र है। अब हमें जो सावधानी रखनी है साउथ वेस्ट के क्षेत्र में, वो हमें क्या रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ कौन कौन से कार्य हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए ये जान लें। साउथ वेस्ट कॉर्नर में ये ऊंचा रखने वाला कॉर्नर है, यहाँ किसी भी कीमत पर भूल से भी सेप्टिक टैंक का निर्माण ना करें। किसी भी मूल्य पर आपके कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि यहाँ एडजस्ट कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ यदि एडजस्ट करते हैं तो घर निर्माण करने वाले जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है ये उनके ऊपर सीधा इफेक्ट करता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है और काफ़ी अधिक इफेक्ट कर देता है। इसलिए जो है, और आर्थिक स्थिति दोनों गड़बड़ाएगा। तो सेप्टिक टैंक यहाँ पर बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, ये आप नोट कर लें। दूसरा, शौचालय का भी निर्माण हमें इस क्षेत्र में करने से बचना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा क्षेत्र लोग इस क्षेत्र में, यहाँ से कुछ क्षेत्र थोड़ा सा जाता है, जब हम सेंटर से निकालते हैं तो थोड़ा सा क्षेत्र आता है, इस प्रकार से आता है, यहाँ चलेगा। लेकिन आपको इस इतना से लेकर इतने में कहीं भी शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा क्षेत्र इसका आता है लेकिन शौचालय नहीं। बाथरूम का भी निर्माण आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए। नैऋत्य कोण दक्षिण एवं पश्चिम का कोने का जो एरिया है, अब एक बार जान लें, कुछ लोगों का प्रश्न होता है ये एरिया कितना होगा। आपके टोटल भूखंड के एरिया का 1/9 भाग, क्योंकि जब इसे हमने इस प्रकार से बांट दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9वां भाग है। यदि आपका भूखंड 900 स्क्वायर फीट है तो ये 100 स्क्वायर फीट ऐसा एरिया निकलेगा जहां पर आपको टैंक नहीं बनाना है, शौचालय नहीं बनाना है, बाथरूम नहीं बनाना है, और तो और इस क्षेत्र में आपको मुख्य द्वार नहीं बनाना है। वास्तु के अनुसार दक्षिण मुखी क्षेत्र में द्वार का स्थान सिर्फ दक्षिण में एक ही जगह सबसे अधिक शुद्ध होता है, यहाँ पर भूल से भी मुख्य द्वार नहीं देना चाहिए। चाहे पश्चिम मुखी घर हो तो भी आप यहाँ भूल से भी इस क्षेत्र में मुख्य द्वार नहीं दे सकते। हाँ, थोड़े से क्षेत्र यहाँ पर आते हैं, थोड़े से क्षेत्र पश्चिम की ओर से जब हम पग नापते हैं तो यहाँ पर 2-3 पग आते हैं जहाँ द्वार दिया जाता है, लेकिन यहाँ उसके बाद से यहाँ से यहाँ तक में ये द्वार का यहाँ कहीं कोई स्थान नहीं है, नहीं देना चाहिए। अब आइए बात करने उसके बाद रसोई घर।
कुछ लोगों को हमने देखा है कि इस स्थान पे वो रसोई का निर्माण कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, घर का अग्नि गड़बड़ा जाएगा। अग्नि को यदि आप पृथ्वी तत्व में आके मेल कर देते हैं तो आपके घर का अग्नि अर्थात अग्नि जो होता है डायरेक्ट रसोई जो है आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी मूल्य पर क्या करना है कि रसोई का निर्माण नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर गेस्ट रूम एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि गेस्ट रूम आपको इस कॉर्नर पर नहीं बनाना चाहिए, या फिर आप इधर में रह रहे हो और रेंटर को रखना हो तो इस कॉर्नर पर अपने भाड़ेदार को भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हो तो ग्राउंड फ्लोर पर रेंट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्वयं इस क्षेत्र में रह रहे हैं और रेंटर को यहाँ रखें, नहीं। ये क्षेत्र अधिपत्य को दिखलाता है, स्वामित्व को दिखलाता है। कहने का अर्थ है यहाँ जो व्यक्ति रहेगा वो समूचे घर के ऊपर अपना प्रभाव रखेगा, अपना शासन रखेगा, अपने प्रभाव उसके उसके प्रभाव समूचे घर के ऊपर रहेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ बन के रहेगा सभी घर के मेंबर के अनुसार के अनुरूप, जो यहाँ रहेगा वो सभी मेंबर से सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि जब भी आपको नैऋत्य कोण में बनाए तो घर आप अपने माता पिता के लिए बनाएं, आप अपने बड़े भाई के लिए बनाएं। यदि आप स्वयं घर के बड़े पर्सन हैं या स्वयं घर के कमाऊ पर्सन हैं, आपसे अनुसार घर चलता है तो आप स्वयं इस क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये अस्थिरता का प्रतीक है, ये स्वामित्व का प्रतीक है, ये अधिपत्य का प्रतीक है, तो आपके लिए ये सबसे अधिक उपयुक्त है। गेस्ट को यहाँ रखेंगे तो गेस्ट अनावश्यक रूप से आपके घर में इंटरफेयर करेगा। आप रेंटर को रखेंगे तो उस वो भी अनावश्यक रूप से आपके घर के बातों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र को अपने पास रखना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये तो हो गई कुछ सावधानियों की बात। अब आइए हम इसमें यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानें ये पृथ्वी तत्व है, ये भारी स्थान है, समूचे घर के अपेक्षा यहाँ पर जो बनाएं आप ये स्थान ऊंचा बनाएं। एक तो इसके फर्श के लेवल को ऊंचा रखें, पहली बात। इस यहाँ पर किस फर्श के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप दो तला तीन तला घर बनाते हैं, थ्री फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो प्रयास करें कि आपके इस क्षेत्र में निर्माण हो कि ये क्षेत्र सबसे अधिक ऊँचा रहे। ये आपके वास्तु को अच्छे से संतुलित करेगा, ये क्षेत्र ऊंचा रखना चाहिए। अब आइए यहाँ पर क्या है कि यदि वाल मोटा देना हो तो आपको इस क्षेत्र में वाल मोटा देना चाहिए, अन्य क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर आपको वाल भी मोटा देना चाहिए। बड़ा निर्माण करना हो यहाँ करें, मोटी वाल का प्रयोग करना हो यहाँ करें। घर का कोई भारी भरकम सामान रखना हो, बड़े संदूक रखने हो, आलमीरा रखना हो, तो भी साउथ दिशा इसलिए प्रमुख कहा जाता है कि इस दिशा में आप रख सकते हैं, ये आपके लिए सबसे अधिक अच्छा रहेगा। यहाँ पर निर्माण मास्टर बेडरूम बनाएं अपने लिए, स्वयं के लिए, पिता के लिए, घर के गार्जियन के लिए, घर के मुखिया के लिए यहाँ बेडरूम बनाएं, अस्थिरता का प्रतीक है ये। आप यहाँ विशेष परिस्थिति में जगह ना हो तो यहाँ सीढ़ी बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, सीढ़ी के लिए ये स्थान उपयुक्त है। सीढ़ी का निर्माण भारी होता है, लेकिन यदि आप यहाँ सीढ़ी बनाते हैं तो घर का एक महत्वपूर्ण स्थान आप खो देते हैं। अतः यहाँ हमें करना चाहिए कि सीढ़ी कहीं और एडजस्ट कर लें, दक्षिण में कर लें, पश्चिम में कर लें, ये स्थान आपको बेडरूम के लिए रखना चाहिए। तो आज के अंक में देखिए हमने मुख्य रूप से बात की कि किन चीज़ों का निर्माण यहाँ नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों का निर्माण यहाँ करने से आपके घर का वास्तु संतुलित रहेगा और आपके घर में किसी तरह के वास्तु संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होने देगा। नेक्स्ट एक बात और, कुछ लोग कहते हैं ये भारी निर्माण है, तो एक तो हो गया आप यहाँ पर अब जल की व्यवस्था, एक चीज़ तो रह गया, इस क्षेत्र में आपको बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गड्ढा करना वर्जित है, आप इस क्षेत्र में गड्ढा नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल असंतुलन की अवस्था उत्पन्न करेगा, इसका डायरेक्ट प्रभाव आपके आर्थिक स्थिति पे पड़ेगा। तो यहाँ जल की व्यवस्था, कुएं की व्यवस्था, अंडरग्राउंड वाटर की व्यवस्था या सेप्टिक टैंक की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था ना करें जिससे इस क्षेत्र में गड्ढा हो जाए, भूमि के अंदर खोदा जाए, ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं
ओवरहेड टैंक को यहाँ रख देते हैं कि भारी निर्माण है छत के ऊपर, इसने क्या किया कि जल की टंकी इसी स्थान पर रख दी। तो यहाँ पर आपको ओवरहेड टैंक भी नहीं रखना है, ये पृथ्वी तत्व का स्थान है, जल को इसके ऊपर नहीं रखना है, अन्य जगह पर रखने का उसका स्थान है, लेकिन इस स्थान पर आपको ओवरहेड टैंक भी नहीं रखना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।